नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। किसी भी देश के, राज्य के, शहर के, गांव के, व्यक्ति की तरक्की में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा रोड़ा। आज देश के महानगर से लेकर गांव तक भ्रष्टाचार चरम पर। सड़क ऑफिस कार्यालय से लेकर खेत तक भ्रष्टाचारी हुई हावी। कई विभिन्न प्रकारों से भ्रष्टाचारी दलाल कराते हैं भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार से सरकार की सुविधाओं से अपना जीवन यापन करने वाले भी नहीं रहते अछूते। उन्हें भी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए करना पड़ता है भ्रष्टाचारी का भुगतान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेशक देश की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त देश का सपना दिखाया हो, लेकिन देश की जनता का भ्रष्टाचार मुक्त सपना एक सपना बनकर ही रह गया। इस भ्रष्टाचार के अपराध में जनता भी कहीं ना कहीं दोषी मानी जाती है, क्योंकि वह अपना काम कराने के लिए कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को टेबल के नीचे से हाथ खिसका कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। शायद ऐसा ही हुआ शिकोहाबाद के एक दिव्यांग के साथ, जहां तहसील से दिव्यांग का वेरिफिकेशन करने आए व्यक्ति ने सरकार द्वारा खेलने वाले दिव्यांग सहायता के नाम पर धन उगाना चाहा, लेकिन अब बेचारा सरकार की सहायता पर जीने वाला दिव्यांग कहां से लाता रिश्वत, तो कैमरे के सामने बयां किया अपना दर्द। क्या कहा शिकोहाबाद में रहने वाले दिव्यांग ने, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या हुआ? मेरा नाम हरिशंकर है, नगला क्लास शिकोहाबाद तहसील में रहता हूँ। और ये सत्तापन ये पेंशन हो रहा है जो विकलांग और वृद्धा और विधवा पेंशन होगी, तो ये एक जना सुबह सुबह आया कि ये सत्यापन करवा लो। तो मैं लाके आधार कार्ड लेके आए मेरे पिताजी, तो वो कह रहे हैं कि 100-100 रुपये दो। तो मैंने कही भाई ये 100-100 रुपये किस बात के लग रहे? तो बोले ये 100-100 रुपये नहीं दोगे तो ये पेंशन आएगी नहीं, 100-100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और 100-100 रुपये नहीं दोगे आप तहसील में 1000-1000 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने कही भाई ये तो नहीं हो सकता, ये सरकार ने आज तक, ये मोदी सरकार है, ऐसा तो नहीं होता है। बोला नहीं देने पड़ेंगे। फिर मैंने उसकी वीडियो बना ली, तो वीडियो बोला कि वीडियो कितनी बना ली, मेरा कुछ उखड़ना नहीं, उखड़ने वाला नहीं है उसकी मेरी वीडियो, मेरे पास वीडियो ऑन वीडियो। यस, यही बात थी। कहाँ का था वो कर्मचारी? ये कर्मचारी वो शिकोहाबाद तहसील का। फिर उसने आपका काम किया कि नहीं किया? नहीं, वो आधार कार्ड ले गया है, पंजीयन करा, आएगी नहीं, जब पैसे नहीं दोगे तो आएगी नहीं, ये बोला था। अब आप कहाँ पे आए हो? मैं आया हूँ यहाँ पे दबरी, यहाँ विकास भवन में। फिर आपने कहीं शिकायत की थी? मैंने अभी शिकायत करी है विकास भवन में, शिकायत करी है तो उनने कही मैं अभी करता हूँ बात। क्या मानते हो सरकार तो कहती है कि भ्रष्टाचार कम हो गया, क्या भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार तो ये जो कार्यकर्ता है, ये जो काम कर रहे हैं ये छोटे पदों पे, ये भ्रष्टाचार ज्यादा कर रहे हैं। ये लोग ऐसे विकलांग और विधवाओं से और इनसे पैसे मांगने का ऐसा करोगे तो पेंशन लिए बेचारे, ये अगर इन पर पैसे होते तो ये पेंशन क्यों लेते? इनको पेंशन देने का क्या हक है? तो इन पे 100-100 रुपये मांग रहे हैं विकलांगों पर, ये विधवाओं पर कहाँ से पैसे आए हैं 100-100 रुपये? ये पैसे मांग रहे हैं 100-100 रुपये, ये दलाली कर रहे हैं 100-100 रुपये की।